सर्वोच्च 18 जुलाई को आरपीएससी का करेगा घेराव। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में जुटेंगे युवा अंकित चेची। भाजयुमो ने प्रदेश कार्यालय में युवा आक्रोश महाघेराव पोस्टर का किया विमोचन। जयपुर 12 जुलाई 2023 भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। प्रदेश का युवा पेपर लीक की घटनाओं से निराश है और युवाओं में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। युवा विरोधी कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार ने युवाओं से वादा खिलाफी की है। वहीं कांग्रेस सरकार की सरपरस्ती में रीट भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती, हाईकोर्ट LGC भर्ती सहित दर्जन भर से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। अंकित चेची ने कहा कि सीकर में ऐसे कोचिंग सेंटर भी खुले हैं जिसमें गारंटी के नाम से बैच चलाए जा रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने से प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य संकट में पड़ा है। गहलोत सरकार की हठधर्मिता के आगे राजस्थान का युवा लाचार है। भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ आगामी 18 जुलाई को अजमेर में RPSC कार्यालय का घेराव करेगा। इस युवा आक्रोश महाघेराव में राजस्थान के सभी जिलों से युवा भाग लेंगे और युवा विरोधी गहलोत सरकार की ईट से ईट बचाने का काम करेंगे। इस प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री नीलम गुर्जर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वर्मा, युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री राजकुमार विवाद, प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पदार्थ, प्रदेश मीडिया प्रभारी आकाश वर्मा, कार्यालय प्रभारी सुमित अग्रवाल उपस्थित रहे।